अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एफ किचन फूड ज़ायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अस्मा। तो आज शबे बारात स्पेशल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करें, ये है नवाबी शीर खुरमा। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होता है फ्रेंड। जी हाँ, ये देसी घी से बनाया जाता है और ड्राई फ्रूट से। जी हाँ, तो इसको खोए का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में बेहद लाजवाब, पीने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, इन्जॉय कीजिए। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो में बताऊँगी कि निज़ामी शीर खुरमा बनाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध। जी हाँ, तो इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए, तो अब हम फिर से इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इस दूध के अंदर अच्छे से उबाल आए तक हम इसको गर्म कर लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिए है सूखे, ये है सूखे खजूर। जी हाँ, इसको मैंने 1 कप सूखे खजूर लिया है मैंने, यानी कि 15 सूखे खजूर। इसको मैंने अच्छे से भिगा कर रख लिया था और इसके पीसेस कट कर कर रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है काजू और बादाम। जी हाँ, मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप काजू और बादाम। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर कर गर्म पानी में इसको अच्छे से उबाल कर मैंने इसके छिलका निकाल कर अच्छे से इसके पीसेस कर कर रख लिया है काजू और बादाम के। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 150 ग्राम्स है सेमी। जी हाँ, 2 लीटर हम दूध ले रहे हैं तो 150 ग्राम हम लेंगे सेमी। तो यहाँ पर अब हम लेंगे 1/2 किलो शक्कर। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो और आप 1 कप इसमें और शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg शुगर। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पर ले लिया है बड़ा वाला पैन। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप हमारा देसी घी। जी हाँ, तो अब हम देसी घी से ही बनाएंगे, ये है शीर खुरमा। जी हाँ, शीर खुरमा शबे बारात स्पेशल शीर खुरमा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हम इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो बाजू आप देख सकते हैं, दूसरे वाले चूल्हे पर मैंने दूध को रख दिया है, तो ये दूध भी अच्छे से गर्म हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो घी हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ये हमारे छोटे खजूर, जिसको मैंने कट करके पीसेस करके रख लिया था। तो अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे खजूर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो उसको डार्क फ्राई नहीं करना है। देखिए, तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ उसके प्लेट के अंदर। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, बचे हुए घी में हम डालेंगे काजू और बादाम को भी, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे हल्का सा ब्राउन कलर आकर। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से काजू और बादाम को हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल देंगे प्लेट के अंदर। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं, तो दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है शुगर। तो हम इस शक्कर को अच्छे से डालेंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। तो तब तक हम फ्राई करेंगे हमारी सेवियाँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। तो इस इलायची पाउडर को डाल देंगे हम, इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ में हमारी शक्कर भी अच्छे से पक जाएगी। जी हाँ, हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर हमने लिया है भुनी हुई सेवी। आप चाहे तो वैसी भी सेवी ले सकते हैं, व्हाइट वाली सेवी भी। तो ये बारीक वाली सेवी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो हमारे सेवियाँ अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो सारे सेवियाँ घी के साथ हम क्या करेंगे, इस दूध जो बन रहा है, पक रहा है, इस दूध के अंदर अच्छे से इस सेवियों को अच्छे से डाल देंगे। देखिए, गैस को फ्रेंड्स आपको स्लो रखकर इस दूध और सेवी को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम खोवा है ये। जी हाँ, तो 2 लीटर हमने दूध लिया है तो 200 ग्राम मैंने खोवा ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे, ये ताज़ा फ्रेश खोवा है। तो थोड़ा थोड़ा कर इस खोवे को हम इसके अंदर अच्छे से देखिए डालते जाएंगे। देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे गर्म दूध में। देखिए, तो खोवा डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये नवाबी शाही शीर खुरमा है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने पूरा खोवा डाल दिया है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, तो सेवी हमारी अच्छे से पक रही है, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमारा शीर खुरमा जो है बहुत ही लजीज शबे बारात स्पेशल बन रहा है। तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो हमारा शीर खुरमा ब्राउन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा है। देखिए, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहद लाजवाब और बेहद टेस्टी। जी हाँ, देखिए, नवाबी शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को स्लो रखकर मैंने बना लिया है। तो मलाई और घी आकर जम चुका है। तो ड्राई फ्रूट्स हमने जो फ्राई किए हुए, वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए चलिए, गर्मा गर्म शबे बारात स्पेशल शीर खुरमा हम आपको सर्व कर दिखाएंगे।
हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम फिर ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। जी हाँ, तो हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए घी में। जी हाँ, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।